वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को कैसे लॉक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारा प्रोसेस पता हो। एंड उसके लिए लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। इंट्रोडक्शन स्किप करते हैं। यहां पे आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही है। अब अगर आप एक क्रिएटर नहीं हो या फिर आपको लगता है कि यार मेरी सिर्फ एक पर्सनल लाइफ है, मेरे जो लोग हैं सिर्फ मेरी कंटेंट, मतलब मेरी जो पोस्ट है, मेरा कंटेंट है, मेरे फोटोज हैं, मेरी स्टोरीज है, सिर्फ उन तक जाए, तो आप या तो अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को कर लो प्राइवेट। ओके, एंड प्राइवेट करने के लिए आपको यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल को कर लो प्राइवेट। एंड प्राइवेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक ही सिंपल सा काम करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल के आइकन पे टैप करोगे, आपको कुछ इस तरह की आपकी होम स्क्रीन दिख रही होगी, राइट, इस तरह की। अब यहाँ से अगर हम लोग राइट टॉप करना थ्री लाइन पे जाएं, ओके, यहाँ से हम लोगों को जाना है सेटिंग्स पे, जो सर्च के साइड में सेटिंग दिख रही है, एल्स आप नीचे आके सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जा सकते हो। हम लोग सेटिंग एंड प्राइवेसी पे टैप करेंगे, यहाँ से हम लोग सेटिंग्स पे टैप करेंगे। एंड प्राइवेसी चेकअप आप करके देख लेना अपना, अगर आपको करना है तो आप एक काम कर सकते हो, प्राइवेसी चेकअप को कंप्लीट करो। हु कैन सी व्हाट यू शेयर, इससे आप ये जरूर चेक कर लेना कि आप किसको अपना कंटेंट दिखाना चाहते हो। इस पर आप टैप करोगे तो यहाँ से आपको लग जाएगा, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे टैप करो, कंटिन्यू। अब ये पूरी सेटिंग्स आप कर सकते हो यहाँ पे, कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो कौन देख सकता है, आपकी प्रोफाइल जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो कौन देख सकता है, प्लस आप कहाँ रहते हो वो कौन देख सकता है। नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपके फ्यूचर पोस्ट कौन देख सकता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रेंड्स किया हुआ है, अगर आप इसको पब्लिक कर दोगे तो सबको दिखेगा, तो मैंने ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट किया हुआ है एक तरह से। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आप ब्लॉक लिस्ट भी कर सकते हो, किसी को भी करना है। ओके, हम लोग बैक करते हैं, हमें यहाँ से अभी यही करना है बस, प्राइवेट अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल ही सिर्फ फ्रेंड्स के लिए बनाई हुई है। हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, इस पर टैप करोगे तो यहाँ से देख रखा है उन्होंने, ऑलरेडी ऑप्शन दिए हुए कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लो। ओके, एंड यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज करके अपनी प्रोफाइल को ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो, कि कहीं गलती से अगर आपका पासवर्ड किसी के हाथ लग गया है तो वो क्या करोगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, इसी के साथ साथ ये प्राइवेसी की सारी चीज़ें जो आपको कर लेनी है, ओके, बट हमें क्या करना है, हमें इसे लॉक करना है कि भाई किसी को दिखे ही ना, मतलब जो हमें फॉलो नहीं करते या जो हमें, मतलब जिनको हम लोग नहीं जानते, जो अननोन है, जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, उसे ना तो मेरी प्रोफाइल के बारे में कुछ पता लगे ना ही मेरी प्रोफाइल दिखे। उसके लिए एक ही सिंपल सा काम आपको करना है, वहीं पे जैसे आप सेटिंग्स पे आओगे, ओके, हल्का सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको ऑडियंस एंड विजिबिलिटी में एक ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल लॉकिंग का, लेकिन बहुत से लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है प्रोफाइल लॉकिंग। उसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को कर लो अपडेट, आपको प्रोफाइल लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सी योर प्रोफाइल पे अगर जाओगे, मतलब यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी इसे लॉक किया हुआ है, आपको अनलॉक करना है। ओके, तो इस पर टैप करके मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ पहले, सो दैट आपको मैं लॉक करके दिखा दूँ। मेरी प्रोफाइल जो है वो अनलॉक हो गई, अब इसे लॉक कर लेते हैं। उसके लिए एक तो ऑप्शन यहीं से मिल जाएगा, थ्री डॉट पे अगर हम लोग टैप करेंगे तो लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन दिख गया है, यहाँ से मैं इसे लॉक कर सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी लॉक हो चुकी है। ओके, अगर मैं दिखाऊं दूसरे लोगों को मेरी प्रोफाइल कैसे दिखेगी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्यू एज पे टैप करके, अब लोगों को मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरह की दिखेगी, राजा लॉक्ड हिज प्रोफाइल, राइट, यानी कि मेरी प्रोफाइल लॉक हो गई है, जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है पब्लिक को मेरी ऐसी प्रोफाइल दिखेगी, राइट। लेकिन मुझे इसे ऑप्शन कहीं और से ढूंढना है, मुझे ये वाला ऑप्शन जो है वो कहीं और से देखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, टैप करेंगे अपने प्रोफाइल की सेटिंग्स पे यहाँ पे। ओके, ये रहा, मतलब जैसे हम लोग सेटिंग एंड प्राइवेसी पे टैप करेंगे, देयर इट इज, एंड यहाँ पे हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं प्रोफाइल लॉक एक ऑप्शन, ये रहा, यहाँ से भी हम लोग अपनी प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। दोनों जगह से मैंने ऑप्शन आपको बता दिए कहाँ कहाँ मिलेंगे, इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल लॉक कर सकते हो अगर करनी है। बट प्रोफाइल लॉकिंग का एक ही है कि आप अगर एक क्रिएटर हो, आप रील बनाते हो, आपको लगता है कि आपका कंटेंट बहुत सारे लोगों तक जाना चाहिए, तो फिर आप प्रोफाइल लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको व्यूज चाहिए, आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी चाहिए, आपको थोड़ी सी रीच चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल को पब्लिक ही रखना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मुझे सिंपल अपना इतना ही रखना है, बस आपको तो एक काम करना है, प्रोफाइल लॉक कर लो, राइट। इस तरह से लॉक कर सकते हो, आपको पता लग गया होगा आपको प्रोफाइल लॉकिंग का ऑप्शन मिला है नहीं मिला है, प्लस आपकी प्रोफाइल लॉक हो गई है या फिर नहीं हुई है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। उसी के साथ साथ वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।